हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन मनीष अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप्स यू एकदम बढ़िया होंगे। शुरू करेंगे आज का आपका सेशन। आशा ही नहीं है, पे तो विश्वास है कि अब तक आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा अपने साथी सहपाठियों, अपने मित्रगण तक। और चैनल पर यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल पाए। ठीक, एक बात और समझ लीजिए कि आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको सारे क्लासेस का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है MANISHACADEMY। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम और इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस बुक की PDF एंड ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई एक छोटी सी जानकारी। और आगे के परिप्रेक्ष्य में हम आपको विषय सूची के विषय में पहले ही बता चुके हैं। आज हम आपके DLED फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट और बना देंगे विज्ञान वाले बच्चों की ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी समस्या ना हो। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं कि मैम आई हैव प्रॉब्लम्स सच टाइप ऑफ, तो मैं उसको सोल्यूशन भी आप लोगों को देने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो हम लोग आपके जो यूनिट 1 है सजीव वस्तुएं, इसको हमने कल शुरू किया था। इससे पहले मैंने एक आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाया है, इसको एक तरीका हमने आपको इसको बुक से पढ़ाया है। बुक से इसलिए पढ़ाया कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉइंट छूटे ना, है ना। देखिए, बुक्स से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो ताकि जब भी आपका ये समय पेपर का आए तो उस समय आपका सब कुछ पूरा हो चुका होगा। ठीक, तो कल हमने इस यूनिट को शुरू किया था, आज हम लोग इस यूनिट को ख़त्म करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ MCQ सब कुछ कवर करेंगे जो भी इस चैप्टर के एंड में दिया होगा। तो आपको सेशन के एंड तक बने रहना है और बीच में जो भी बच्चे हैं उन तक शेयर करने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलने की। ठीक, तो भाई आइए शुरू करेंगे और उसके बाद में जो बची हुई यूनिट्स हैं, पूरी यूनिट्स आपकी कितनी है, 6। इन 6 यूनिट्स को हम लोग धुएँदार तरीके से कवर अप करेंगे, पूरा क्रैश कोर्स टाइप आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सेशन को लाइक कर चुके होंगे आप, क्यों, है ना। तो देखिए, कल हम लोगों ने सजीव वस्तुओं की बात की थी जिनमें हमने प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं की बात की, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण किया, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है ये बताया हमने आपको, पौधों और जंतुओं में क्या अंतर होता है ये बताया, पौधों और जंतुओं में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और जंतुओं वनस्पतियों के वातावरणीय अनुकूलन के विषय में हमें आज पढ़ना है। तो भाई आपको पता है कि जो भी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, उनमें क्या अंतर होते हैं, अब तो आप फाइनली समझ चुके होंगे कि जस्ट लाइक हमने आपका एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपके घर का कोई फ्रिज है तो वो अपने समान ना तो संतान उत्पन्न कर पाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने समान दूसरा फ्रिज एक उत्पन्न करके रख दे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो कह सकते हैं हम कि लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव वस्तु होती हैं, वो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरीके की एक नहीं, मैंने आपको कम से कम 8 से 10 चेंजेस, 10 चीज़ें बताई थी। जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं उनका जो शेप एंड साइज होता है वो क्या होता है, एकदम सिमिलर, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं डेफिनेट होता है। लेकिन जो कह सकते हैं नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनका ऐसा नहीं होता है, ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें थी। तो इस तरीके से हम आप थोड़ा सा आप लोगों को कल का रिवीजन भी करवा देंगे और फिर शुरू करेंगे, है ना। तो रिवीजन के परिप्रेक्ष्य में हम बोले तो सजीव और निर्जीव के अंतर में हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, पौधे और जंतुओं के अंतर्गत भी आपको क्या क्या पढ़ना था। तो मैंने आपको बताया था कि जो जंतु होते हैं, है ना, उनमें लोकोमोशन जैसी चीज़ें होती हैं और उसके बाद में शारीरिक संगठन जो होता है वो निश्चित होता है, जो ग्रोथ होती है वो एक समय तक होती है, है ना। और कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं इनमें भी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, उस बेसिस पे वृद्धि होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, है ना। और हमने आपको कुछ मेटाबॉलिज्म की अभिक्रियाएँ जिनके अंतर्गत कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता था ये पढ़ाया। उसके बाद में श्वसन क्या होता है, श्वसन में हमने आपको 2 प्रकार के श्वसन पढ़ाए, एक आपका वायवीय श्वसन, एक आपका अवायवीय श्वसन। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन क्या होता है, या प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि वायवीय श्वसन क्या होता है या अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो आपको पूरा डिस्क्राइब करके लिखना होगा क्या था वायवीय श्वसन, क्या था अवायवीय श्वसन। उसके विषय में अगर हम बात करें तो वायवीय श्वसन में वायु या स्वतंत्र रहने वाले जीवों में पाया जाता है, जबकि वायु की कमी में रहने वाले जो जीवों में श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसी तरीके से उत्सर्जन की प्रक्रिया हमने आपको बताई कि जो मानव शरीर है, है ना, इनमें भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कुछ वेस्टेज पदार्थ हो जाते हैं, है ना, जब भी हम कोई चीज़ें को खा रहे होते हैं जब वो पच जाता है उसके बाद में जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है अगर वो ज़्यादा दिन तक हमारे शरीर में रहे, इसलिए वो पसीने के रूप में, है ना, और कह सकते हैं मल मूत्र के रूप में
मानव के शरीर से त्याग दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, उत्सर्जन। जो इससे संबंधित पूरा तंत्र है कि क्या इसमें किडनी का रोल होता है, क्या इसमें है ना हर एक चीज़ का रोल होता है, तो वो जो चीज़ें हैं आपकी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं, तो वो आपका DLED सेकेंड सेमेस्टर में है ना। तो ये चीज़ें जो डिटेल में हम आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब हम आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा रहे होंगे, तो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। उसके बाद में उत्तेजनशीलता की यदि मैं बात बताऊँ तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको छुईमुई का दिया था, है ना। उसके बाद में प्रजनन, प्रजनन में हमने आपको दो तरीका का बताया था, एक अलैंगिक एक लैंगिक, ठीक। उसके बाद में जीवन चक्र लाइफ साइकिल के विषय में हमने आपको बताया, जिसमें आपको पता है शैशवावस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे करके पूरी एक लाइफ साइकिल चला करती है। उसके बाद में जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन के विषय में भी हमने आपको समझाया था। उसके बाद में अनुकूलन में क्या परिवर्तन होते हैं हमने आपको बताया था, जैसे कि आप देख पाएंगे जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे वहाँ पर जो पाए जाएंगे आपके कह सकते हैं हम जंतु या जानवर जो भी, तो आप देखेंगे कि वो उस हिसाब से उनकी बनावट होगी। जैसे आप देखे होंगे पोलर बियर, वाइट बियर देखा होगा ना, उनके शरीर में देखो भालू कितने सारे बाल होते हैं, उनकी जो पेंगुइन होती है, पेंगुइन आपने देखा होगा, उसकी चमड़ी कितनी मोटी होती है, ताकि जो सर्दी होती है, जो ठंड होती है, उसका उसको एहसास ही नहीं होता है ना। वहीं अगर हम बात कर लें कि जो गर्म प्रदेश होते हैं, क्या ऊँट की खाली इतनी मोटी होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उतने गर्म वातावरण में अपने आप को क्या कर पाए, जीवित रख पाए। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं अनुकूलन होता है वो वातावरण के जो है परिप्रेक्ष्य में होता है ना। चाहे उनकी शारीरिक बनावट हो, चाहे सिर यानी कि उनका हेड हो, चाहे उनके पादों की बनावट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स। आप देखिए जो पैर होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो उड़ने वाले जंतु होते हैं उनके अलग प्रकार के होते हैं ना, जो हम कह सकते हैं घोड़े होते हैं उनके अलग प्रकार के होते हैं, पेड़ पर चढ़ने वाले जंतुओं के अलग प्रकार के इस तरीके से पैर होते हैं। उस तरीके से अगर हम उंगलियों की संख्या की बात करें, अंगुलियों की संख्या की बात करें, तो ये भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। ये हम एक तरीके से आपका रिविज़न करवा दें जो हमने आपको कल पढ़ाए थे, ताकि आपको आगे पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या महसूस ना हो। अंगुलियों की संख्या देखिए, ये एक थॉरली रिविज़न करवा दें, ताकि आप चैप्टर से कनेक्टेड फील करें जब हम आपको आगे पढ़ा रहे हों या क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हों। तो अंगुलियों की संख्या के विषय में अगर हम बताएं आपको, तो वातावरण की आवश्यकता के अनुसार पैरों में अंगुलियों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप देख पाएंगे प्लांटिग्रेड पैर में 5 अंगुलियां होती हैं तथा पैर की पूरी तल पृथ्वी पर टिकी हुई होती है, जैसे आपने भालू के पैर देखे होंगे, बैबून के और मनुष्य के। इसी तरीके से तो प्लांटिग्रेड के अलावा अगर हम बात करें तो एक डिजिटिग्रेड होते हैं, इनमें क्या होती है 4 अंगुलियां होती हैं, जैसे आपने हाइना का एग्जांपल है। उसके बाद में एक उसके बाद में आप देख सकते हैं अनुंगली ग्रेट फूट, इसमें क्या होती है एक ही उंगली होती है। यानी कि आपने कितने प्रकार के पढ़े, 3 प्रकार के, कौन कौन से, प्लांटिग्रेड, डिजिटिग्रेड और अंगुली ग्रेड। प्लांटी में 5, डिजिटी में 4 और अंगुली में 1 अंगुलियां पाई जाती हैं, ठीक। इस प्रकार से आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे घोड़ों में क्या होता है अंगुली ग्रेड, इसमें एक ही उंगली पाई जाती है। क्या मैम, हमने कहा हाँ जी, ठीक। तो इस तरीके से आपने एग्जांपल भी देख लिया भाई। टेल, टेल का एक बैलेंसिंग क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, इनमें से संतुलन अंग क्या है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी पूंछ, है ना, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा कर कहेंगे, पूंछ। पूंछ का आपका एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, एक संतुलन अंग। इस प्रकार से त्वचा के विषय में अगर हम बात करें तो वातावरण के उपयुक्त जंतुओं की त्वचा में भी परिवर्तन हो जाता है। जलीय जातियों में चिकनी, वायु में रहने वाले पंख व पर युक्त, पृथ्वी में पाए जाने वालों में बालयुक्त त्वचा होती है, ठीक। इस तरीके से चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब अनुकूलन के प्रकार, ये ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं इस चैप्टर का पार्ट है ना, ये चैप्टर का पार्ट है जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ना मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक। तो पहली चीज़ थी दौड़ने के उपयुक्त या टर्सोरियल अनुकूलन की, तो ऐसे जंतु पृथ्वी पर तेज दौड़ने वाले स्वभाव के होते, जैसे आपका घोड़ा हो गया और एंटीलोप हो गया, है ना। उसके बाद में गड्ढा खोदने के उपयुक्त, या जिनको हम क्या कह सकते हैं, फासोरियल अनुकूलन, फासोरियल एडेप्टेशन। इस प्रकार के तंतु अधोभूमिक यानी अंडरग्राउंड जीवन निर्वाह के लिए गड्ढे खोदते हैं, जैसे कुचूहा हो गया और कीट बख्शी स्तनधारी हो गए। जलीय अनुकूलन क्या होता है मैम, तो धमने का जो जल में रहने वाले उपयुक्त जंतु होते हैं, जैसे आपने मछली देखा होगा, वे लोग देखा होगा, साइरन, ये सब ऐसे जीव जंतु जातियाँ हैं जो आपका जलीय अनुकूलन में अपने आप को अच्छा फील करते हैं। उसके बाद चढ़ने में उपयुक्त अनुकूलन की अगर हम बात करें, तो ये जंतु वृक्षों, दीवारों या चट्टानों पर चढ़ने के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे कुछ सरीसृप और कुछ बर्ड्स आप देख सकते हैं, है ना। अब कभी भी अगर आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो आप
आपको जैसे पूछ दिया गया जलीय अनुकूलन क्या है, तो पहले आप जलीय अनुकूलन तो लिखेंगे, साथ में उसका उदाहरण जो है वो भी आप लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ पाए और आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। वायवीय अनुकूलन की यदि मैं बात करूँ तो वायु में रहने वाले जंतुओं में प्रमुख पक्षी हैं, किंतु चमगादड़ जैसे स्तनधारी भी वायु में रहते हैं। वहीं गुफा एवं गहरे समुद्र के उपयुक्त अनुकूलन की अगर हम बात करें तो केव एंड डीप सी एडाप्टेशन की बात करूं तो कुछ जंतु गुफा में रहते हैं तथा कुछ समुद्र की गहराई में रहते हैं, जैसे मछली हो गई आदि हो गए। उसके बाद में मरुस्थल के उपयुक्त अनुकूलन की बात करें तो आपने ऊंट को देखा होगा, सबसे अल्टीमेट एग्जाम्पल है ना, ये जंतु मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब इसी तरीके से इतना हो जाने के बाद में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी है ना, ओके इतना पढ़ने के बाद में जलीय पौधों के क्या लक्षण होते हो सकते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वातावरण के अनुसार जीव जातियों का अनुकूलन जैव विकास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस प्रकार उपयुक्त होकर धीरे धीरे नई जातियों में बनने में सहायता मिलती है। अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन तथा अनुकूलन के प्रकार की जानकारियां आपने प्राप्त की हैं और उपर्युक्त बातों को कुछ उदाहरण एवं क्रियाकलापों के माध्यम से जीवों के अनुकूलन को समझने का भी प्रयास करेंगे। अपने हाथ तथा पैर को लगातार 1 घंटे तक पानी में डुबोए रखिए आप, तो आपको कैसा फील होता है? हाथ पैर की त्वचा यानी कि चमड़ी में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है? बताइए, सीधी सी बात है, आप देखेंगे कि वो स्किन ना वाइट सी होने लगेगी और फूल जाएगा आप एक तरीके से उस स्किन है ना। क्या इस तरह जलीय जंतु मछली में ऐसा होता है? आप बताइए, अगर वो लोग तो परमानेंट पानी में रहते हैं, क्या उनकी भी स्किन ऐसे एकदम कप हो जाती है, एकदम फूल जाती है, एकदम वाइट सी होने लगती है? नहीं तो मैम, ऐसा क्यों? ऐसा उनमें आखिर ऐसा क्या होता है जो ऐसा नहीं होता है ना? इस तरीके की चीज़ हम देखेंगे। और हाथ पैर की त्वचा सिकुड़ जाती है क्योंकि मनुष्य की जीवन पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। जो मनुष्य का जीवन है, जो मानव जीवन है, वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, जबकि जो आपकी मछली हैं, जो जलीय जीव हैं, उनका इसके अनुकूलित है। आइए समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेंढक मछली में ऐसा नहीं होता है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मकता विशेषताओं के कारण होता है। जैसे आपने देखा जलीय वातावरण में रहने वाले जो जीव होते हैं, जो जलीय वातावरण में रहने के लिए मछली में श्वसन के लिए क्या होता है, याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये, मैं रेड कर रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, याद रखिएगा। तो मछली के श्वसन के लिए जलक्लोम होते हैं। तैरने के लिए शरीर जो है, जो उनका होता है, वो धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। शरीर को सड़ने से बचाने के लिए मछली के शरीर में जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। मछली के गर्दन का अभाव होता है और आँखों पर क्या होता है, उनके निमेशक पटल होता है, ताकि उनके किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये सभी लक्षण मछली का जल में रहने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार अन्य जलीय जीवों में भी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण जल में वो निवास कर पाते हैं। अब जलीय पौधों के क्या लक्षण होते हैं ये समझो भाई, जलीय पौधों के क्या लक्षण होते हैं ये पढ़ेंगे है ना। आइए समझते हैं कि अब जलीय पौधों के क्या लक्षण होते हैं। यहीं से आपको कल पढ़ना था, इतना हमने टाइम आपका ले लिया सिर्फ रिविज़न करवाने में, ताकि आपको कनेक्टेड फील हो चैप्टर से, ऐसा ना लगे कि क्या पढ़ रहे हैं हम। यदि आज आपका पहला भी दिन है तो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, आपका 30% to 40% मैं कह सकती हूँ रिवीजन भी हो गया और चीज़ें आपको स्मरण में भी हो गई होंगी, या जो चीज़ें आपको कल नहीं समझ में आई होती वो आज आ गई होंगी है ना। तब भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो, कोई समस्या महसूस हो, या आपको लगे कि मैम आप एक सब्जेक्ट ये और पढ़ा दीजिए, तो वो मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसके लिए आपको डेली क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। जैसे मेरी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता है, शाम को 5 बजे है, तो रोज़ शाम को 5 बजे आप आइए। उसके बाद में जलीय पौधों में क्या लक्षण हो सकते हैं आइए समझते हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग फिर से सेशन को शेयर कर दीजिए। और शेयर करने का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे तो सिर्फ सुन के इग्नोर कर देते हैं। शेयर करने का मतलब होता है आप इसको लिंक पे क्लिक करो, शेयर का ऑप्शन देखो आता है, वहाँ से अपने जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हों है ना, जो आपके कह सकते हैं कलीग्स हों, उन तक आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए कि हाँ आप भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि लाइक करने का। आपको एक थंब का एक ऐसा साइन दिखता होगा ना, जिसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे उंगली अंगूठा ऊपर उठा रहता है ना, तो ये वाला आपको लाइक प्रेस करना होता है। उसके बाद में हम आपको बता दें, एक आपको कमेंट बॉक्स मिलता है, वहाँ पर आपको कमेंट करना होता है कि आपको क्लास कैसी लगी है ना। जैसे आप क्लास में बैठते थे अपने बचपन में, तो जब टीचर जा रहा होता तो आप बोलते थे थैंक यू सर या थैंक यू मैम। तो उसी तरीके से जब हम लोगों के ये सेशन एंड होते हैं, तो अगर आप अपना 20 सेकंड भी आप अगर निकाल लेते हैं, तो वो एक मोटिवेशन का काम करता है फॉर एन टीचर, फॉर एन एजुकेटर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि क्लास कैसी लगी, या किसी प्रकार की समस्या है, या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो हर तरीके से आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक। उसके बाद में अगर आपको
DLED फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स मंगाने हैं तो आप हमसे 94 11 96 91 20 वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे DLED फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जलीय पौधों में क्या लक्षण होते हैं आइए समझते हैं। जलीय पौधों में शरीर कोमल तथा कमजोर होता है। जैसे आप बाहर देखते हैं जो पेड़ हो गया, बरगद का हो गया, वो तो कितना टफ होता है, कितना कठोर होता है, लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं इनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है और कमजोर होता है। पादप शरीर के सभी भागों में मृदु तक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। पत्तियाँ पतली कटी फटी होती हैं, पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, तना पर्णव्रंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म यानी कि कटकल की परत पाई जाती है जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। पूछा जा सकता है कि जलीय पौधों को आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो पानी में सड़ने से बचाती है, तो आप क्या बताएंगे कि जलरोधी मोम होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, उपचर्म या क्यूटिकल। इसकी वजह से जो पानी में पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सड़ते नहीं हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण जलीय पौधे जलीय वातावरण में भी सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कुमुदनी, कमल, हाइड्रिला, सिंघाड़ा और सेजिटेरिया, ये जो आपके पौधे होते हैं ये सड़ते नहीं है। क्यों नहीं सड़ते हैं? तो क्योंकि एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, जलरोधी मोम या उपचर्म या कैटिकल। ठीक, ती बात समझ में आ गई। अब समझिए, इस प्रकार स्थलीय जंतु जैसे आपकी छिपकली, ऊंट तथा स्थलीय पादप जैसे नीम, अमरूद में भी वातावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। स्थलीय जंतुओं ऊंट छिपकली में वायु से सांस लेने के लिए फेफड़े विकसित होते हैं। प्रचलन के लिए इनके बेलनाकार चार पाद होते हैं। वातावरण में इनको भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नीम, अमरूद आदि स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में ये सूख जाते हैं। तना पत्तियां चमकीली फैली हुई हैं होती हैं। पर्णफलक विकसित होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। रंध्र अधिक तथा सामान्य प्रकार के होते हैं। मरुस्थल भी स्थलीय वातावरण का क्या है, एक रूप है। जो मरुस्थल है वो भी स्थलीय वातावरण का क्या है, एक फॉर्म है, एक रूप है। ठीक है भाई, देखो मरुस्थलीय वातावरण में उगने वाले अगर हम कुछ पौधों को आपको दिखाएं तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। जैसे एक आपका रस्कस है ना, उसके बाद में जैसे आप ये देख पा रहे हैं सारे ये जो हैं ये आपके मरुस्थलीय वातावरण के हैं ना। जैसे कैक्टस टाइप पौधे होती हैं जो आपके उस सब इसी में पाए जाते हैं। कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं वो सब आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं। क्या आप मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे अथवा जंतु के नाम बता सकते हैं? तो अगर मैं जंतुओं के नाम की बात करूँ तो आपको पता ही, आपने देखा है ऊँट हो गया, गिरगिट हो गया और छिपकली। समझिएगा, मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे और जंतुओं की अगर हम बात करें तो जंतुओं के नाम में क्या आ रहा है, ऊंट हो गया आपका, गिरगिट हो गया, गिरगिट जो आप रंग बदलता है आपने देखा होगा, और छिपकली आदि, ये सब कहाँ पाए जाते हैं आपके, ज़्यादा मात्रा में तो मरुस्थल में। ठीक, पौधों के नाम की बात मैम बताइए, हमने कहा पौधों में आप देखो नागफनी, बबूल और खजूर। देखो ये मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। क्यों मैम? क्योंकि ऐसी क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर में कि इनमें से रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा है, ऑप्शन ए नागफनी, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या टिक करके आएंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से रेगिस्तान में पाया जाने वाला जंतु नहीं है, ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी गिरगिट, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी मछली। तो आप क्या लगा के आएंगे, मछली। भाई जंतुओं का नाम बताना था जो रेगिस्तान में नहीं पाया जाता, तो मछली तो पानी में पाई जा रही है। इस तरह के क्वेश्चंस एक नंबर में आपके एमसीक्यूज में बन सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर जैसे जैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी से साथ आपको चीज़ें पढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे अगर आप मेरे साथ पढ़ते चलेंगे तो विश्वास मानिए इससे पहले वाले बैच में पूरे पूरे नंबर बच्चों के आए हैं इस विषय में, है ना। तो बस आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को अधोलेखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखो जो जंतु मरुस्थल में रहते हैं उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आइए बताते हैं। सबसे पहला पानी की कमी, सीधी सी बात है, मरुस्थल में रह रहे हैं तो उनको किस चीज़ की कमी महसूस होती है, पानी की कमी। और उसके बाद में तेज धूप तथा गर्म बालू, ये जंतुओं को महसूस करनी पड़ती हैं कठिनाइयाँ, इतनी तेज़ धूप में और उसके बाद में गर्म रेत जो बालू होती है आपकी, उसकी वजह से उनको इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कांटेदार एवं शुष्क पेड़, ये कांटेदार और शुष्क इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है और तेज़ धूप होती है इस वजह से। भाई बारिश का ना होना, तेज़ धूप का होना, गर्म बालू का होना, इसी वजह से जो यहाँ के पेड़ पौधे होते हैं वो एकदम शुष्क और कांटेदार होते हैं।
उपर्युक्त कठिनाइयों के प्रति जो जंतु जितना अधिक अनुकूलित हो सकता है वह उतनी ही आसानी से मरुस्थल में जीवित रहने में क्या है समर्थ होता है। जैसे आप देख पाएंगे ऊँट, ऊँट के शरीर में अधोलेखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या ऊँट के शरीर में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं आइए समझते हैं कि भाई ऊँट आखिर अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है और इसके शरीर में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि यहाँ पर देखिए कोई मैं MCQs टेस्ट तो करवा नहीं रही हूँ, तो इसलिए आप अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में क्लास नहीं लीजिए। कि देखो मेरा आप सभी से एक विशेष रिक्वेस्ट है कहने की, आप लोग क्या करते हैं इतनी स्क्रीन में आपकी क्लास चल रही होती है, बाकी यहाँ पर आपकी लाइव चैट चल रही होती है और आप मैसेजिंग खेल रहे होते हैं, है ना। ये बहुत से बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास करने का, पढ़ाई करने का, एकदम गलत है, एकदम महागलत है। आप विश्वास मानिए हमारी बात को, आप इस समय कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपके जो दिमाग में चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं रहेंगी। आपको लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये कुछ दिन तक ही सिर्फ रहेगा, उसके बाद में आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं और वो फिर गायब हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर आप मेरे कहने के अनुसार, जैसे हम कहते हैं कि आप कैसे क्लास लीजिए, एकदम लैंडस्केप मोड में जहां आपको किसी से बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चुपचाप क्लास लीजिए ऐसे, तो इससे क्या होता है आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझ पाएंगे और इससे आपके माइंड में चीज़ें एकदम एग्ज़ाम तक रिमेनिंग रहेंगी, है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एकदम सही तरीका है क्लास करने का। तो डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, बाई विच यू कैन गेट मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम दिस क्लास, ओके। तो देखिए ऊँट के विषय में अगर हम बात करें तो ऊँट के खुर जो होते हैं वो गद्दीदार तथा तलवे कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, और इसके पैर जो होते हैं वो रेत में धंसता नहीं है। अगर आप चलोगे तो आपका पैर रेत में धंसेगा, लेकिन ऊँट होता है उसका नहीं धंसता है पैर, क्यों? क्योंकि उसका जो खुर होता है वो गद्दीदार तथा तलवे क्या होते, चौड़े होते हैं। पानी मिलने पर एक बार में ये 50 लीटर तक पानी पी जाता है। ऊँट लगभग 10 दिन तक बिना पानी पिए जीवित रहता है। क्या आप जीवित रह सकते हो इतनी देर तक? नहीं रह सकते हो। क्या आप 50 लीटर पानी एक बार में पी सकते हो? नहीं पी सकते हो। पानी की कमी होने पर यह लगभग आधा लीटर मूत्र त्याग करता है, जो सामान्य परिस्थिति में लगभग उसका क्या 12वां भाग है। जब पानी की कमी होती है तब ये क्या करता है, आधा लीटर मूत्र त्याग करता है, तो समझ जाता है ऊँट को पसीना ही नहीं आता है, आपको तो आ जाता है भाई। ये वातावरण के ताप और शरीर के ताप में अंतर कम करने के लिए अपने शरीर का ताप बढ़ाकर क्या कर लेता है, 42 डिग्री तक कर लेता है। समझ रहे हो उसकी स्ट्रेटजी? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों का शरीर इतना अनुकूलित नहीं है। ऊँट में जो कूबड़ होता है ना, कूबड़ ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे निकला हुआ भाग होता है, यहाँ पर आप बैठ के ऊँट की सवारी कर रहे हो ना, तो ये जो भाग इसका ऊपर ऐसे निकला हुआ पोर्शन होता है जिसे आप कूबड़ कहते हो, यहाँ पर क्या होता है, भोजन संग्रहित होता है। विषम परिस्थितियों में यहीं से संग्रहित भोजन का वो क्या करता है, प्रयोग करता है। मरुस्थलीय कटीले पौधों को खाकर आसानी से ये जीवित रह सकता है। जो कटीले पौधे होते हैं ना, उनको ये खा करके भी क्या करता है, अपने आप को जीवित रख सकता है। जंतुओं के समान मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी अधोलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपने पढ़ा कि जंतुओं को इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको भी मरुस्थल में अपने आप को रखने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पानी की कमी, तो यानी कि आज आपके घर में जो पेड़ पौधे लगे उनको जा करके आप बता दीजिएगा, जब शाम को छत में आप पानी डालने जाइएगा तो बता दीजिएगा कि बेटा तुम बहुत, क्या कहेंगे आप अपने पेड़ से, कहेंगे कि तुम बहुत जो है किस्मत वाले हो जो आज हमारे घर में हो, है ना। नहीं तो अगर कहीं तुमको रेगिस्तान में छोड़ आते हैं ना, तो तुमको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आओ बताएं। तब बताना आप अपने पेड़ पौधों को, क्या बताओगे कि वहाँ ना तुमको पानी की कमी हो जाती और पानी की कमी में तुम कैसे जीवित रहते, यहाँ तो मैं तुमको रोज़ शाम को पानी देने के लिए छत में आता हूँ या आती हूँ, और जो तुम यहाँ पर हो तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो इतने देर तक नहीं रहता है ना, इतना तुमको मैं छाए में रख देता हूँ, लेकिन वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ होता है और दिन के समय वहाँ का तापमान यहाँ के तापमान से काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, है ना। आप इस प्रकार की बातें अपने पेड़ पौधों को बता सकते हैं ताकि वो भी प्राउड फील करें कि वो हमारे घर में या हमारे खेत खलिहान में है। क्यों, क्या कह रही है मैम, आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। हमने कहा देखो बेटा मेरी स्ट्रेटेजी यही है पढ़ाने की, है ना, इस प्रकार की बातें तो करनी पड़ेंगी आपको पेड़ पौधों से अगर आप PG मैम की क्लास ले रहे हो तो। इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए पौधों में जल की कमी को रोकने एवं जल को संचित करने के लिए शारीरिक परिवर्तन अर्थात अनुकूलन होता है। इसके लिए मरुस्थलीय पादपों के अधोलिखित परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं आइए देखते हैं। तना जो होता है इनका वो मांसल होता है, चपटा हरा एवं स्पॉन्जी होता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल संचित करने का कार्य करता है, जैसे आप नागफनी को देख पाते हैं। पत्तियों तथा तनों की सतह पर क्यूटिकल पत्तियां काटो या शल्क के रूप में पाई जाती है, जैसे नागफनी, कैक्टस और सतावर आदि देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा।
कुछ पौधों की पत्तियां कैसी होती है, मांसल होती हैं, जिनमें जल संग्रह होता है। जैसे आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे आप घिकवार का एक पौधा होता है देख सकते हैं, पत्तियों में रंध्र यानी गड्ढों में धसे होते हैं जिसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कनेर। उसके बाद में ऐसे जीव जंतु के नाम बताओ जो हवा में उड़ते हैं। अब देखो, और कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं, उन जंतुओं में उड़ने हेतु शरीर में अनेक प्रकार का अनुकूलन होता है। तो देखो, जो कीट में कीटों में उड़ने के लिए अनुकूलन होता है, वो उनके लिए अगर हम बात करें तो कीट जो होते हैं वो अकशेरुकी प्राणी है। कैसे हैं? अकशेरुकी प्राणी है। उड़ने हेतु उनके शरीर में कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत हैं। क्या विशेषताएँ होती हैं तो समझिएगा। पहला, कीटों में ये दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कीटों में शरीर छोटा तथा और हल्का होता है। कीटों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? छोटू सा और एकदम हल्का होता है। इनके शरीर में स्वच्छ रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरी रहती है, निकलती नहीं है, इस कारण इसका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी और घरेलू मक्खी आदि। उसके बाद में पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन के विषय में अगर हम बात करें तो सभी पक्षी कशेरुकी प्राणी होते हैं और उड़ने हेतु इनमें भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता कि इनकी इनका जो शरीर होता है वो नौकाकार धारा रेखित होता है, मतलब आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से नाव के शेप का होता है ना, कुछ इस प्रकार से। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में इनके सहायक होते हैं। जो आगे के पैर होते हैं वो क्या होते हैं? पंखों में ही रूपांतरित होते हैं। अस्थियाँ जो होती हैं वो इनकी खोखली होती है, मजबूत तथा वायु से भरी होती है, जिससे इनका शरीर कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। फेफड़ों में से वायु कोश जड़े होते हैं और इनमें हवा भरी होती है, ठीक है, और इनमें क्या होता है? हवा भरी रहती है। ये उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं, जैसे तोता, गौरैया, कबूतर, कौआ तथा फाकता पक्षी जो होते हैं आपके, डव आदि देख सकते हैं। अब देखो, ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, आइए करते हैं फटाफट से। अब आप लोग जरा लाइव चैट में आकर के आंसर करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बताइएगा। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सजीव वस्तु है, क्या है सजीव वस्तु? गिलास, साइकिल, गिलहरी या फिटकरी तथा क्रिस्टल। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, गिलहरी। मरुस्थल में पाए जाने वाला निवास करने वाला जंतु कौन सा है? सर्प, कबूतर, गाय या छिपकली। आप कुछ बच्चे वहाँ पर समझ नहीं पाएंगे और सर्प टिक लगा के आएंगे। अभी हमने आपको ऊपर छिपकली पढ़ाया है, अभी आज की ही क्लास में आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप हमसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला एक क्वेश्चन आपका ये है कि भाई निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को छांटना है। खजूर कैसा पौधा है? कुमुदनी कैसा स्थलीय पौधा है? मतलब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है आपको। गड्ढा खोदने के लिए उपयुक्त प्राणी क्या है? तो आप कैसे आंसर करेंगे? थर्ड का फर्स्ट, थर्ड आई लिखिएगा यहाँ पर, ट्रू फॉल्स जो भी हो वो लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद में अमीबा में किसकी वजह से गति होती है? सीलिया की वजह से, कूटपाद की वजह से या पाद की वजह से? जीवन चक्र किसका उदाहरण है? सजीव का, निर्जीव का या जनन का, ये बताना है। अति लघु प्रश्न किस तरीके से बनते हैं? देखो, जैसे तैरने वाले किसी एक जलीय पौधे का नाम बताओ, वृक्ष पर चढ़ने के लिए उपयुक्त किसी एक जंतु का नाम बताओ, किन्हीं दो सांस लेने वाली वस्तुओं के नाम बताओ, मधुमक्खी का छत्ता सजीव है या निर्जीव, ये बताइए। उसके बाद में मछली का शरीर नाव के आकार का होता है, ऐसा क्यों होता है, है ना? जलीय, अभी हमने आपको बताया है ऊपर एकदम अच्छे तरीके से, जलीय वातावरण में रहने वाले जीवों की अनुकूलता पर लेख लिखना है। ऊंट रेगिस्तान क्षेत्र में रहने के लिए उपयुक्त होता है, ये सिद्ध करना है। क्यों उपयुक्त होता है मैम? कैसे सिद्ध करने, सिद्ध कैसे करेंगे मैम? ये कोई मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी ना है कि मैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दूँ। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। फिर क्या करना है? हमने कहा समझो बात को, हमने कहा यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको ये लिखना है कि भाई उसके खुर कैसे होते हैं, वो एक बार में कितने लीटर पानी स्टोर कर सकता है, उस कुबड़ में खाना स्टोर कर सकता है, और इस प्रकार की चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट कार्य आपको करना नहीं, एक क्वेश्चन आंसर्स हो गए। कल हम आपका कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे होंगे? तो आपका हम यूनिट 2 शुरू कर रहे होंगे, वनस्पति जगत शुरू कर रहे होंगे। सेम तरीके से हम यूनिट 2 भी कंप्लीट करेंगे। आप यूनिट 1 पूरी पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 आपकी कल से शुरू होगी, ठीक है। उससे पहले हम आपको एक विशेष जानकारी दे दें। विशेष जानकारी के रूप में हम ये देना चाहेंगे कि देखो बेटा, DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट ईयर भी बच्चों ने बहुत से नोट्स मंगवाए थे, तो DLED फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आप नोट्स हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे 94 11 96 91 20 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी के माध्यम से आपको चैनल की तरफ से नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, मेरे को PDF से ही काम चल जाएगा, तो सारे सब्जेक्ट्स की PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, MANISH ACADMY, ठीक है। तो अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स, मेरा मानना है कि आप हार्ड कॉपी नोट्स मंगाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना।
तो आप हार्ड कॉपी नोट्स मंगवा करके भी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे हमसे संपर्क करना है। आज के इस सेशन का आपको कौन सा वाला पार्ट पढ़ने में मज़ा आई हमारे साथ, क्या चीज़ें आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलेंगे। और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक तो करके ही जाना है। सुबह 9 बजे आपकी एक क्लास चल रही है, एक क्लास आपकी 7 बजे बाल विकास की भी चल रही है, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। यहीं से करेंगे हम सेशन को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एक बार फटाफट से लिख दीजिए, अपनों के लिए करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।